असदुद्दीन वैसी ने बताए हैं अपने ट्वीट में भी कि 4 से 5 लोग थे जिन्होंने हमला किया और इसके बाद एक 4 राउंड फायरिंग उनकी गाड़ी पर की गई। जो गाड़ी की तस्वीर सामने आई है उसमें साफ तौर पर गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। जिन हथियारों की बात हो रही थी, हथियार भी वो छोड़कर भाग गए, तो वो क्या पुलिस को मिले हैं नहीं मिले हैं अभी थोड़ा इस बारे में जानकारी आने बाकी है। लेकिन अब जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। यकीनन पुलिस को जानकारी देनी होगी कि दरअसल वो कौन लोग थे, और यकीनन ये जो गोलियां चली है इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक तरीके से कहे कि जान से मारने के इरादे से आए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे लीडरान है वैसी निशाने पर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कई लोगों के, क्योंकि जिस तरह की उनकी बातें होती है और शोएब इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से, जो असदुद्दीन वैसी ने तस्वीर भी ट्वीट की, उसके अलावा आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा वाकया पेश आया था। असदुद्दीन वैसी की गाड़ी पर यहाँ 4 से 5 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई, ये तस्वीरें उसी जगह की इस वक्त आपको दिखा रहे। हापुड़ में हमले में बार बार बचे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें 4 से 5 राउंड फायरिंग यहां पर की गई और 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं जो मौके से फरार हो गए हथियार छोड़कर। तो ये तस्वीरें, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और इस मामले में तफ्तीश में जुट गई है। पूरी तरफ अफरा तफरी का माहौल है और शोएब इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर ट्वीट किया, उन्होंने खुद जारी की तस्वीर, और अब वहां पर जो जगह जहां पर ये पूरा वाकया पेश आया वहां पर भी इंतजामिया की टीमें, पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं। इस वक्त कार्रवाई तेज कर दी गई है इस मामले में, और कोई ऑफिशियल बयान, कोई स्टेटमेंट सामने आता हुआ नजर आ रहा है? अभी किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आई है यकीनन पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हैं कि इतनी बड़ी घटना NCR में, खासतौर पर जब सरकार ये कहती है कि हमने तमाम जो बदमाश है उनको उत्तर प्रदेश से निकाल दिया है, वो भाग गए हैं और तमाम जो बातें हैं वो कही जाती है, और चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लगी हुई हो, यकीनन उस दौरान हम देखते हैं कि इस तरह से जब प्रशासन बड़ा सख्त नजर आता है, खुलेआम अगर कोई बंदूक लेकर आता है और 4 राउंड फायरिंग करके वो चला जाता है तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर यकीनन सवाल खड़े होते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या जो NCR की पुलिस है, हम कहें कि आपूर्ति इलाके की जो पुलिस है, क्या वो इन बदमाशों को ढूंढ पाएगी क्या, क्योंकि जानलेवा हमला इसको कहा जा सकता है कि 4 से 5 राउंड फायरिंग आप किसी गाड़ी पर कर रहे हैं तो आप किस इरादे से आए हैं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं, आपका इरादा जान से मारने का था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कौन लोग थे, किसके कहने पर आए, क्या तमाम चीजें थी, इसकी जो बातें हैं, इसकी जो जानकारी है वो सामने आना बाकी है। अब पुलिस की जिम्मेदारी है वो कितनी जल्दी इन आरोपियों को पकड़ती है और इनसे उगलवाती है कि दरअसल इन तमाम लोगों के पीछे कौन लोग थे और ये किस बात से नाराज थे असदुद्दीन ओवैसी से। बिल्कुल, तो बड़ा खुलासा यहाँ पर अब पुलिस के ऊपर है, पुलिस तफ्तीश में पूरी तरह जुट गई, जानलेवा हमला करने की कोशिश यहाँ पर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर की गई। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।